प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सैकड़ों हजारों साल पुराने इन मंदिरों के सामने आने के बाद अब इन मंदिरों के संरक्षण का काम शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां मंदिरों पर जमे कब्जे को हटाकर मंदिरों को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंदिर को उनकी पहचान देने के साथ ही श्रद्धालुओं को इन मंदिरों के बारे में बताने के लिए भी मंदिर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर प्रमुख निकले हैं, उन सभी मंदिरों का इतिहास लिखा जा रहा है। सभी 30 मंदिरों पर जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनका इतिहास, वो कब बनाया गया, कब किसने बनवाया, ये सारा उसमें लिख करके और वहाँ पे प्लकार्ड्स लगा दिया जाएगा और उनको हम पूरे कंडक्टेड टूर को दिखाते हुए फिर हम उनका मंदिर का दर्शन गेट नंबर 3 से वहाँ पे कराएंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से लगातार विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है और अब तक से मंदिर सामने आए हैं जो अंदर घरों में छिपे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि विस्तारीकरण के काम में जो इस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसमें ये आने वाले मंदिरों को पब्लिक की पहुंच तक पहुंचाने के लिए भी काम किया जा रहा है, जिसके लिए आप देख सकते हैं इस तरह के तमाम मंदिरों की जानकारी से जुड़े बोर्ड मंदिरों के बाहर लगाए जा रहे हैं ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इन मंदिर की पौराणिकता और महत्ता का पता चल सके। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर के जरिए भी इन सारी चीजों को डिजिटल एक्सेस देने का काम भी मंदिर प्रशासन की तरफ से चल रहा है, यानी जो भी पौराणिक और धार्मिक मंदिर सामने आ रहे हैं उनको काशी आने वाले श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की पूरी कवायद इस कॉरिडोर में भी की जा रही है। गोपाल मिश्र, CTV, वाराणसी।